आएगा कुछ ही दिनों पहले टोटा की फॉर्चूनर बेस्ड पिकअप ट्रक स्पाई करी गई थी इन इंडिया जो कैरियर वाला मॉडल होता है मतलब कि जिसके पीछे लोड कैरी कर सकते हैं जो कमर्शियल यूज के लिए बना होता है वो स्पाई करा गया था इन इंडिया और जो ये फॉर्चुनर बेस पे प्रैस का नाम रखा गया है ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी टाइम से बिक रही है तो इसका नाम है टेटा हिलक्स एंड उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ कि इसका हम इंडिया लॉन्च कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंजन कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड क्या प्राइस रह सकता है इस व्हीकल का इन इंडिया सो बिफोर आई बिगिन विद विजियो का इस कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बिल ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें अब अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं एन इमेज ऑफ द सिंगल कैप वर्जन जो कमर्शियल यूज वाला होता है उसकी इमेज ये स्पाइक है जैसे इन डेली तो इतना कुछ अभी वैसे खास डिटेल पता नहीं चल रही है बट लास्ट ईयर इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए इसको एक माइल्ड सी फेस मिली है जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं सो हम इंडिया में भी यही वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड अगर हम और चीजों के बारे में बात करिए जो टोटा हिल्स ट्रक है दिस इज बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज दा फॉर्चुनर एंड द टोटा इनोवा क्रिस्टा एज वेल एंड ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज रिक्नाइज एज द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म ग्लोबली सो ऑफकोर्स इंडिया में भी टोटा इनोवा एंड फॉर्चूनर आर वेरी अमेजिंग व्हीकल बट हाँ इंडिया में अब टोटा फॉर्चूनर का प्राइस बहुत ही बढ़ा दिया गया है एंड आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग क्योंकि प्राइस भी बहुत इंक्रीज हो गया और फीचर भी उस हिसाब में हमें थोड़े कम देखने को मिलते हैं इन द व्हीकल बाकी इनोवा क्रिस्टा इज ऑल्सो अ वेरी अमेजिंग व्हीकल वही वाला प्लेटफॉर्म पर ये टोटा का हिलक्स पिकअप्टर के बनेगा प्राइस के बारे में बात करें प्राइज उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्टीन टू फिफ्टीन लैक टॉप मॉडल का ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू लैक्स तक का जा ही सकता है बिकॉज दिस इज़ अ पिकअप ट्रक न इधर एस यू वी या ना इधर से डैन तो इसका थोड़ा बहुत ड्यू टू टैक्सेस इसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो ही सकता है सो so, साइड से कुछ ऐसी प्रोफाइल लगती है ऑफ द टोटा हिलक्स ट्रक एंड अगर हम इंडिया के इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें ग्लोबली तो काफ़ी इंजन ऑफर करे जाते हैं बट इंडिया में इसका वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंजन जो हमें फॉर्च्यूनर में देखने को मिलता है जो है टू लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड टू हंड्रेड वन पी ऑफ पावर एट फाइव हंड्रेड न्यूटी मीटर्स ऑफ टॉर्क और ये मेट हो सकता है विद मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल एज टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बाकी इसमें हम इनोवा क्रिस्टा वाला भी इंजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ये 2.4 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 150 एंड ऑफ पावर एट थ्री हंड्रेड सिक्सटी ऑफ टॉर्क सो ये दो इंजन हम क्या पता दोनों इंजन आ जाए डीजल वाले क्या पता उनमें से एक आ सकता है इसके लिए इंडिया में इंजन बाकी ऑफ कोर्स इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा एंड अगर हम इसके व्हील बेस या डायमेंशन वाइज बात करें तो so, इसका जो व्हील बेस है दैट इज मोर लॉन्गर एज कम्पेयर विद द ट्योटा फॉर्चुनर एंड अगर हम इसके व्हील बेस के बारे में बात करें दैट स्टैंड मोर इंक्रीज दैन द टाफॉर्चूनर क्योंकि इसका जो व्हील बेस है दैट इज थ्री थाउजेंड एटी फाइव मिलीमीटर एंड वी कैन एक्सपेक्ट ट्योटा टू हैवि लोकलाइज दिस वहीकल यहीं पर ही लोकलाइज्ड प्रोडक्शन अके टू कीप दॉस्ट लो ऑफ द व्हीकल एज वेल बाकी जैसी कोई नई डिटेल आती है ऑन द व्हीकल आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दट एज वेल तब तक के लिए गाइज कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके मैं मिलता हूँ अपलोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए